अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 9 और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने में कोई भी इशू है या सेक्सो डेसिमल सिस्टम डिग्री मिनट्स और सेकेंड में मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। मतलब 4 o'clock पे इसका एंगल क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास सर्कुलर मेजर, हम एक क्लॉक ड्रा कर लेते हैं। अब जो क्लॉक है वहां पे हमारे पास इधर हम 12, 6, 3 and 9। अब यहाँ पे ये जो हमने इधर करना है 4 o'clock, थोड़ा सा इस साइड पे 4 हो जाएगा, 4 o'clock ड्रा कर लिया। अब हमने देखेंगे कि हमारे पास अगर 24 और में एंगल इन 12 आवर्स कितना होगा। ये हमारे पास बनते हैं 12 आवर्स, यहाँ से 1 से स्टार्ट करें यहाँ तक आए तो 12 आवर्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2π। 2π क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये सर्कल है, पूरा सर्कल होता है इक्वल टू 2π, क्योंकि इसे हम 1 रोटेशन भी बोलते हैं, जैसे मैं आपके लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब हमारे पास है एंगल इन 1 आवर। अब 1 आवर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2π है तो वो हमारे पास कंप्लीट एंगल है इन 12 आवर्स में। जब अगर हम देखेंगे एंगल इन 1 आवर तो 1 आवर में एंगल हमारे पास क्या होगा, 5/6 हो जाएगा। हमारे पास एंगल देखेंगे वो क्या 5/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने देखा है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे वो एंगल फाइंड करना है जो हमारे पास हो वॉच 4 o'clock। अगर घड़ी पे आपके 4 बज चुके हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एंगल एट 4 o'clock। 4 o'clock पे एंगल क्या होगा, हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 के साथ। मतलब जो 1 आवर में एंगल 5/6 है, यहाँ पे हम क्या बताएंगे 4 आवर्स में। तो इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो जो आपके पास आएगा वो 2π/3, जो हमारे पास गिवन एंगल होगा एंगल एट 4 o'clock। अब 4 o'clock में हमारे पास जो एंगल है वो 2π/3 होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा मैथ बहुत पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।